रायपुर की सामान्य सभा के पहले दिन बैठक पार्षदों के हंगामे की भेंट चढ़ गई, तो वहीं दूसरे दिन सत्ता पक्ष के कांग्रेस के पार्षद और महापौर सभा में पहुंचे ही नहीं। पक्ष के इंतजार में सदन को आधे घंटे रोक लिया गया, लेकिन सत्ता पक्ष पहुंचा ही नहीं। इसी बीच सदन में अधिकारियों ने घाटे का बजट पेश किया। ये बजट का प्रस्तुत करने का एक तौर तरीका होता है, नियम होता है, विधि होता है, और बजट जो होता है वो आयुक्त महोदय पूरी नगर निगम की बजट बनाते हैं और आयुक्त महोदय के बाद उसको एमआईसी में रखते हैं और एमआईसी के बाद वह सामान्य सभा में आता है और इसी प्रक्रिया के तहत आज सामान्य सभा में आया था। और जब महापौर जी नहीं थे ऐसे समय में आने आसंदी से निर्देश दिया सचिव को कि उपायुक्त वित्त के माध्यम से नगर निगम का 19-20 का बजट यहाँ पे प्रस्तुत किया जाए और उपायुक्त नगर निगम वित्त उन्होंने आज बजट प्रस्तुत किया है, अधिकारियों के माध्यम से आज बजट आया है। महापौर जी अगर वहाँ पे नहीं आए हैं तो उनकी अपनी जिम्मेदारी थी, उनको उनका अपना कर्तव्य था, उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों को पूरा करना था, पर वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए बाहर निकल गए। नहीं, हम तो जनता के बीच में जाकर करेंगे ना। ये पिछली बार भी जब हमने बजट प्रस्तुत किया था या बजट को चर्चा में लाया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के जितने सम्माननीय पार्षदगण थे उन्होंने बजट के बुक को फाड़ दिया था जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी की फोटो थी। जब जिनको ये भी ज्ञान नहीं है कि जिसमें महामहिम राष्ट्रपति जी की फोटो है, जिसमें महात्मा गांधी जी की फोटो हो, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी की फोटो हो, उसकी प्रतियां आपने फाड़ दी, तो आप क्या बताना चाहते हो? हमको मालूम है इनकी कोई सोच नहीं है या नगर विकास से संबंधित इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। रायपुर नगर निगम पालिका की सामान्य सभा की सभा में कीचड़ फेंकने के बाद